सी यू ईटी पी जी दो हजार बाईस का पेपर सोल्यूशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए थे जो बच्चे हैं वो आज इस वीडियो में देखते हैं द ऑर्थोकोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द कर आर एन इज इक्व टू ए साइन एन थीटा ऑर्थोगोनल रेजेक्ट्री के इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम बोथ साइड में लॉग ले लेंगे लॉग आर एन इज इक्व टू लॉग ए साइन एन थीटा अब लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसको खोल देंगे लॉग ए और बी है तो हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं और इसमें क्या हो जाएगा जो पावर है वो आगे आ जाएगी लॉग आता तो, तो एन लॉग आर बन जाएगा ये तो और ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग एन थीटा अब क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू तो थीटा एन बाई आर डी आर बाई डी थीटा और इसका हो जाएगा जीरो कॉन्स्टेंट है तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमने हमारे पास में आ जाएगा वन बाय साइन एन थीटा और साइन का क्या हो जाता है कॉस एन थीटा और वापस हो जाएगा यहां पर एन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में है तो एन बन जाएगा फिर क्या करते हैं जब भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टिव होती है तो यहां पर जो डी आर बाय डी थीटा है उसको हम रिप्लेस करते हैं माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो यहां से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास में बन जाएगा cos cos by sin cot theta cot n theta बन जाएगा यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा cot theta को यहाँ theta के डिवाइड में लेके आ जाते हैं theta by cot n theta इसी कोश to dr by r variable सेपरेशन कर दिया इसका हमने अब यहाँ पर क्या करेंगे और ये माइनस था वो माइनस अब यहाँ both साइड में हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो one by cot theta हमारे पास में क्या बन गया sin theta इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन टू इंटीग्रेशन डी आर बाई आर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन जाएगा हमारे पास में माइनस लॉग कॉस एन थीटा डिवाइड बाई एन और इसका क्या हो जाएगा माइनस लॉग आर और ये कॉन्स्टेंट हम कोई भी ले लेते हैं लॉग सी मान लेते हैं अब क्या करेंगे कि ये दोनों साइड में लॉग है। पहले तो हम क्या करेंगे लॉग को कैंसिल आउट कर देते हैं पूरे में से तो हमारे पास में रह जाएगा कॉस एन थीटा और ये जो एन था वो वो हम इस साइड भेज देंगे ये एन यहां आएगा और यहाँ लॉग है तो लॉग की पावर में यहाँ पर आर की पावर एन में ये चेंज हो जाएगा सो आर की पावर एन और यहां पर ये आ जाएगा नीचे सी तो हमारे पास में क्या बन गया आर की पावर एन सी इज इक्वल टू कॉस एन थीटा और हम यहाँ पर ये यह कांस्टेंट है हमारे पास में सी इसको हम सी बी ए किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं तो सी कॉस थीटा और हमारे जो आंसर में दे रखा है वो आर एन सी कॉस थीटा ये हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट बी ले रखा है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो हम भी हम भी यहाँ पर सी की जगह पर कॉन्स्टेंट को तो रिप्लेस कर सकते हैं आर एन इज इक्वल्स टू बी कॉस एनथीटा तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वन एज ए एंड द अदर एज रीजन आर ए दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस फोर टू जीरो और जब डी हम एम से रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन में एम स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो और हमारे पास एम की क्या वैल्यू आ रही है प्लस माइनस टू आयोटा तो जो इसका सी एफ आएगा वो होगा सी वन ई कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स में प्लस माइनस टू आयोटा आ रहा, तो रहा है इमेजनरी में इसका सॉल्यूशन सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स होगा और यहाँ पर दे रखा है सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस टू एक्स तो ये असर्पन ए है जो कि हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू तो ये तो गलत ही है सेकेंड भी यही है ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ये भी अपना इनकरेक्ट हो गया तो यहां पर है ए इज ट्रू तो ये भी इनकरेक्ट हो गया डी ऑप्शन में दे रखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू अब आर को हम चेक करते हैं ये करेक्ट है आर को चेक करते हैं इफ वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर एनी टू सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्व टू जीरो देन देअ कॉम्बिनेशन ऑफ सी वन

बाई एक्स प्लस वन इज इक्व टू ई की पावर थ्री एक्स एक्स प्लस वन ये हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम आई एफ निकालते हैं और ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा करेक्ट होगा तो इसका आईएफ निकालेंगे आईएफ क्या होता है ई की पावर पी डी एक्स ई की पावर हो जाएगा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स डीएक्स और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस वन जो भी तो ई की पावर में माइनस लॉग है इसका मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन तो ये हमारे पास में कौन से से करेक्ट हो रहा है फर्स्ट जो ए है वो फोर्थ में हमारे पास में आई एफ दे रखा ऑप्शन में भी देख देते हैं फर्स्ट का सेकेंड ये तो हमारे पास में गलत हो गया फर्स्ट का फर्स्ट ये भी हमारे पास में गलत हो गया यहाँ पर बी और डी दोनों में दे रखे हैं फर्स्ट का फोर्थ फर्स्ट का फोर्थ तो ये दोनों हमारे पास में करेक्ट हो सकते हैं नेक्स्ट बी है हमारे पास में वाई की पावर माइनस थ्री डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर माइनस टू बाई एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर अब हमें इसका आई एफ निकाल निकालना है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं यहां पर जो माइनस वाई की पावर माइनस टू को हम लेट कर लेते हैं टी जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस टू वाई की पावर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स माइनस वाई की पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी टी बाई डी एक्स तो हम इस जगह रख सकते हैं माइनस वन बाई टू डी टी बाई एक्स तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बन जाएगी माइनस टू वन बाई टू डी टी बाई डी एक्स प्लस इसकी जगह पर हम टी रख लेंगे टी बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस वन बाई टू को हम पूरे से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या हो बन जाएगा हमारे पास में डी टी बाई डी एक्स माइनस टू टी बाई एक्स इज़ टू माइनस टू एक्स स्क्वायर अब हम इसका आई एफ इजिली निकाल सकते हैं आईएफ आ जाएगा हमारे पास में ई e की पावर माइनस टू बाई एक्स डी एक्स जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ई e की पावर माइनस टू लॉग एक्स और ये माइनस टू है जो कि एक्स की पावर में चला जाएगा तो ई e की पावर लॉग एक्स की पावर माइनस टू और लॉग एक्स की पावर माइनस टू जो कि ई की पावर e में है तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा सिंपल सा एक्स की पावर माइनस टू ये हमारे पास में आ जाएगा आई एफ ये हमें कौन से से करेक्ट हो रहा है ये हमारे पास सेकेंड है जो कि सेकेंड में ही मिल रहा है तो बी का सेकेंड ये भी दोनों ऑप्शन में दे रखा है अब हमें यहां तो हम सी को निकाल देते हैं या फिर डी को चेक कर लेते हैं तो हम सी को चेक करते हैं सी में हमें इक्वेशन दे रखी है x की पावर माइनस टू डी एक्स बाई डी वाई माइनस वाई एक्स की पावर माइनस वन इज इक्व टू वाई स्क्वायर तो हम इसमें भी x की पावर माइनस वन को लेट कर लेते हैं t अब हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब आ जाएगा माइनस आगे x की पावर माइनस टू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वस टू डी टी बाई डी वाई एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स वाई इक्वल टू माइनस को हमने इस साइड भेज डी टी बाई डीवाई तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई डीवाई माइनस वाई और यहां पर माइनस एक्स की पावर माइनस वन की जगह पर हम रख देते हैं टी इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं अब हम इसका इजीली आईएफ निकाल सकते हैं जब इंटीग्रेशन करेंगे वाई का तब हमारे पास में क्या बन जाएगा ई e की पावर वाई स्क्वायर बाय टू अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कौन से में ये करेक्ट हो रहा है तो ये हमें मिल रहा है सी का थर्ड में तो सी हमारे पास में इसमें तो फर्स्ट दे रखा है और इसमें दे रखा है थर्ड तो हमारे पास बी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन है जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा